इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। बात सर संधान की चल रही है, जब आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी पहले, द्रोणाचार्य के साथ में सारे शिष्य जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ पर वे सर संधान को सीख रहे हैं। एक वृक्ष के पास में सभी उपस्थित हैं। द्रोणाचार्य ने पूछा अपने शिष्यों से, बताओ क्या नजर आ रहा है। कोई शिष्य बोलता है हमें वृक्ष नजर आ रहा है, कोई शिष्य कहता है हमें इसकी शाखाएं, प्रशाखाएं, टहनियां, पत्ते। ऐसे अनेकों शिष्यों ने अनेकों बातें कही, क्योंकि जिन जिन ने जो जो देखा अपनी दृष्टि से वो बता दिया। तब नंबर आता है अर्जुन का, और अर्जुन से पूछा, क्यों क्या देख रहे हो। गुरुदेव मुझे मात्र वृक्ष पर, उस शाखा पर एक काली मिर्ची नजर आ रही है जो बंधी हुई है, बस वो काली मिर्ची मेरा लक्ष्य है और इतना सुनना था बस। जैसे ही धनुष की डोरी पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक आंख बंद करके निशाना साधा, सीधा उस काली मिर्च पर जाकर लगा। ये है किस कारण से वह निशाना लगा, बोलो किसका प्रभाव है, क्या गुरु का आशीर्वाद कहेंगे। गुरु का आशीर्वाद तो सबके लिए समान होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो केवल गुरु जी के अर्जुन के लिए अलग आशीर्वाद देंगे और बाकी के लिए नहीं देंगे। यहाँ पर यह गुरु आशीष या गुरु कृपा का प्रसाद नहीं, यहाँ पर यह प्रभाव है चित्त की एकाग्रता का, चित्त की एकाग्रता का। अन्य सबसे डिटैच और एक से अटैच जब होंगे तब हमारा वह संधान सही लगेगा, अन्यथा गुरु जी कहते हैं अति संधान, अनुसंधान नहीं संधान साधो। अति संधान अनुसंधान नहीं, हाँ संधान साधो। इसलिए आपको यदि निशाना साधना है उस एक ही ओर, भले ही दिख रहा है ये सब कुछ बाहरी परिवेश, लेकिन जब तक वहाँ दृष्टि हम नहीं रखेंगे, बार बार वहीं तक लेके जाना है, तब ही हम उसको छू पाएंगे। कल अपन ने बहुत अच्छी बात कारिका में यहाँ पर आई कि राग द्वेष कल्लो लेर है ने, राग द्वेष की तरंगे जब तक उठेगी तब तक अंतरंग में डूब नहीं सकते। जो तरंग, और अभी तो महाराज तरंग नहीं उफन रहा है, तरंग तो फिर भी ठीक थोड़ी बहुत ही रहती है हवा के कारण, लेकिन अगर मान लीजिए ज्वार बाठा आ जाए या फिर जो समुद्र में जो लहरें देखते हैं उछाल मारती है ऊपर तक वे, तो इस प्रकार से हाइकू भी हमने वही लिया था कि तरंग देखूं क्षण भंगुरता, तरंग देखूं भंगुरता दृष्टि जो का त्यों तोई। जल जो है वो जो का त्यों है, हम जल की ओर दृष्टि रखेंगे तो गहराई की ओर जाकर उठा के कुछ ला सकते हैं। मूक माटी में भी आया, जब कोई सतही तौर पे तैरता है तो उसको बाहर के दृश्य नजर आते हैं और बाहर की दुनिया ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही वह पानी के अंदर
गोताखोर जो होते हैं गहराई तक चले जाते हैं, अब बाहर की दुनिया से वे बेखबर हो जाते हैं, कोई उनको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, तब ही उस आत्म तत्व को हम छू सकते हैं। आज इस ग्रंथ की बहुत अच्छी एक और कारिका यहाँ पर आचार्य भगवंत अब आज आप सबको हम सबको पागल घोषित करने वाले हैं, ठीक है ना? आप अपने आप को क्यों इंदौर वालों पागल हो क्या? नहीं है ये एक्चुअल में पागल शब्द जो है ना अभी पाखंडी के रूप में चलने लगा है, नहीं तो पहले इसका अर्थ था जो पापों को गलाए वो कहलाए पागल, जो पापों को गलाए वो पागल कहलाए, यहाँ पर उस पागल की बात नहीं, अभी जो वर्तमान का जो पागल जिसे अपन मानते हैं उसी पागल की बात, क्या है वह पागल आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं कारिका नंबर 36 पृष्ठ क्रमांक 57 पर। अविक्षिप्त अविक्षिपतम मनस्तत्वम अविक्षिप्तम मनस्तत्वम विक्षिप्तम भ्रांतिरात्मने धारये तत् विक्षिप्तम विक्षिप्तम नाश्रयेत् तत्। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, अविक्षिप्त यानी बोलते हैं जिसने क्षुब्धता न हो, क्षोभ रहित, वह क्षोभ रहित जो मन है वह तत्वम तत्व आत्मा का तत्व स्वरूप कहलाता है। एक नई परिभाषा, तत्व क्या है? बोले अविक्षिप्तम होना ही तत्व है, अविक्षिप्तम होना ही, क्षोभ रहित होना ही तत्व है। तत्व की अनेक अनेक परिभाषाएं रहती है लेकिन यहां पर क्या कहा, तत्व वो अविक्षिप्तम यानी क्षोभ रहित मन वह तत्व का स्वरूप या तत्व है। विक्षिप्तम यानी क्षुब्धता के साथ में जो मन है आत्मन है, आत्मा की भ्रांति भ्रांति है, आत्मन है भ्रांति, वह आत्मा की भ्रांति है। ततः इसलिए अंत में जो दिया हुआ है, ततः इसलिए तत् अविक्षिप्तम उस अविक्षिप्त रूप मन को धारियेत धारण करो और विक्षिप्तम मन लगा लेंगे ऊपर से न आश्रयेत आश्रय मत लो, यानी अविक्षिप्त मन का आश्रय लो और विक्षिप्त मन का आश्रय मत लो, मन है कि मानता नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ वह मानता ही नहीं, यहां पर क्षोभ रहित मन का आश्रय लेना है, वहां पर भी बताया इच्छा निरोधस तप है, बोलो इच्छाओं का निरोध करना, लेकिन हम इच्छा ही करते हैं दिन भर, जो हमारे मन में आया बस वही इच्छा, इस इच्छा के माध्यम से कल्याण होने वाला नहीं, अन्यथा वह तो अपन को संसार में बटरा देगा और अपनी अभी तक की जो खेती है ना उसको भी चौपट चढ़ देगा। ये ऐसा बैल है कि जो है अभी तक जितना अपन ने उगाया उसको भी खा पी के मतलब नष्ट कर देगा, इसलिए अपन को मन की क्षुब्धता को रोकना है। मन का क्षुब्ध होना अविक्षिप्तता बताया, मन क्षुब्ध क्यों हो रहा है बोलो, मन क्षुब्ध क्यों हो रहा है? वह हमारे चित्त के अनुरूप जब कोई कार्य नहीं होता तो मन क्षुब्ध हो जाता है, जैसा हम चाहते हैं और वैसा नहीं हो रहा तो तुरंत ही मन, या फिर और उसका और क्या है, हम सामने वाले पर उसका अपना ढोलना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप उस पर लगा देते हैं, तब वह और ज्यादा अहितकारी, मन को जो बुरा लगे मन के विपरीत हो अहित हो बस उसी में हमको मन हमारा
शुद्ध हो जाता है। और हम सोच रहे हैं कि वह मुझे परेशान कर रहा है, ये गलत धारणा है। ये क्या बोला? गलत धारणा है, हम स्वयं परेशान हो रहे हैं। और आपको कोई परेशान कर रहा है और परेशान हम हो रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई परेशान कर रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, तो उसको क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, उसको मजा आ रहा है ना, वो परेशान कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही किसी ने कि परेशान होने वाले को, अच्छी शायरी है लेकिन बढ़िया है, परेशान होने वाले को सकूं कुछ मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। परेशान होने वाले को सकुन कुछ मिल भी जाता है, लेकिन परेशान करने वालों की परेशानी नहीं मिटती। वो एक परेशानी ढूंढता है इसको कैसे परेशान करें सामने वाला पर। और आप देखना कभी भी, यदि सामने वाला आपको परेशान करना चाहता है और आप पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो सामने वाले का चेहरा देख लेना कैसा होता है, बिल्कुल उतर जाता है। बोले मैंने तो इसको इतना परेशान किया लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये होता है अविक्षिप्त मन, हम स्वयं अपने आप को बना रहे हैं, दूसरा हमें नहीं बना रहा। इस बात को पहले हम दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लें, हम स्वयं जो है अपने आप को, बोलते ना आबेल मुझे मार, वो वाला काम करते हैं। प्रभावित होना और प्रभावित करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर। हम प्रभावित होते हैं, सामने वाला प्रभावित कर रहा है, इससे प्रयोजन नहीं। कर्मों की निर्धारण, अभी कर्म कैसे करें ग्रंथ चल रहा है ना, हाँ, तो उसमें भी यही सब बात है। आप जितना जितना प्रभावित होंगे उतना उतना कर्म का बंध होता चला जाएगा। और जितना जितना हम प्रभावित अप्रभावित होंगे उतने उतने कर्म के बंध से बचते हुए चले जाएंगे। यही तो कल आया था, राग और द्वेष इसी का नाम है, इसी के माध्यम से हम अपने आप को। लेकिन हम प्रभावित तो छोड़ो, सामने वाला हमें प्रभावित करेगा उसके पहले ही हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना? जैसे बरसात आने के पहले ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है ना, ऐसी स्थिति है। बरसात तो बाद में आएगी, अभी पहले ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। बस सामने वाला तो बाद में प्रभावित करेगा, हम पहले। और ये हर घर घर की कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सास बहू को ले लो, और चाहे दोरानी जिठानी ले लो, और चाहे भाई भाई ले लो, सबके बीच में यही खाई पड़ी भी है। इससे हम चाहते हैं कि वो सुधरे, हम सुधरेंगे नहीं। हर आदमी दूसरे को सुधारने में लगा हुआ है, जैसे ठेकेदार बना हुआ है, पूरी ठेकेदारी उसी ने ले ली, और उस सुधारने के चक्कर में ही सारी की सारी बात बनती है नहीं, और ज्यादा बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। यदि वह उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा, अविक्षिप्तम मनस्तत्वम, बस हमें उस अविक्षिप्त जो मन है, क्षुब्धता रहित जो मन है, उसको तत्व कहा। दो तरह की दृष्टि में बता रहा था, अनियोगों के अनुसार भी आप करना, द्रव्यानियोग में दो है ना, अध्यात्म और सिद्धांत। तो सिद्धांत के अनुसार तो सात तत्व जो अपने होते हैं, जीव तत्व आदि जो तत्व हैं, जीवादि आदि, लेकिन अध्यात्म के अनुसार ये परिभाषा लगा लेना। अध्यात्म के अनुसार क्या परिभाषा लगा लेना? अध्यात्म के अनुसार ये परिभाषा लगा लेना कि अविक्षिप्त मन है। वही वहां पर राजवार्तिक में भी मैंने पहले ही बताया कि संक्लेश और विशुद्ध परिणाम इसी का नाम है। विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब हमारा मन, अच्छा आप देख लीजिए, जब हमारे मन में क्षुब्धता नहीं होती तो कितना अच्छा लगता है, बोलो। हाँ, चांदनी रात में भी बरसात बुरी लगती है, हाँ, और दिल में हो ठेस तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। इसलिए अपने भीतर में अगर अविक्षिप्तता पाल रखी है मन में,
यदि विक्षिप्तता है तो फिर आप कर्म का तीव्र से तीव्र बंद कर रहे हैं, और विक्षिप्तता नहीं है तो तुरंत पुंज के पुंज झाड़ रहे हैं तुरंत ही। इसलिए आप बहुत ज्यादा उसमें गाफिल मत हो, किसी ने बहुत बुरा कर भी दिया फॉरगेट एंड फॉरगिव लिख लो, भूल जाओ और क्षमा कर दो, यही हमारे हाथ में है और दूसरा कुछ नहीं है। यदि नहीं भूलेंगे तो बांध लो, बांध के रखो पल्ले के अंदर। कब तक बांधेंगे? जितने बांधेंगे वो उतना ही और ब्याज के सहित आएगा वो तो अपन, और भूल जाएंगे भैया छोड़ दिया चलो हो गया, तुरंत तुरंत उसको करना चाहिए, तभी वह हो जाएगा साफ, अन्यथा साफ नहीं होगा। लेकिन हमारा मन तो जैसे ये बिजली का अभी बैठा है गोलू भाई यहाँ माइक वाला है ना, अब ये इसका ध्यान कहाँ है पता है? इसका ध्यान है उधर नीचे, एक वोल्टेज क्या बोलते हैं, वोल्टेज की मशीन रखी है ना। तो जैसे वोल्टेज ऊंचा होता है नीचा होता है, उसका दिल भी ऊंचा नीचा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत तेज वोल्टेज नहीं हो जाए, समझ में आ रहा है ना। हाँ, हमारे साथ में ऐसा ही है, ये वोल्टेज की मशीन हमारे अंदर फिट है, बस थोड़ा सा किसी कुछ का वो वोल्टेज एकदम हाई हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करेंगे, शांत रहेंगे, तब ही हम कर्म बंधन से बच सकते हैं, उस अविक्षिप्त बंध तत्व की परिभाषा जिसको दी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद इसका लेते हैं अपन। संक्षोभ हीन मन आत्म का स्वभाव, सम्मोह मान में मानस है विभाव, सारे अतः मलिन मानस को दुलाओ, आदर्श सादृश विशुद्ध उसे सजाओ। आत्मा को सजाना चाहते हो? 15 अगस्त पर बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, सजाना तो चाहते हो, लेकिन किसको सजाना है? यहाँ पर सजाने के लिए आपको देखो क्या क्या आइटम दे दिए आचार्य श्री जी ने, कि आदर्श सादृश विशुद्ध हो उसे सजाओ। विशुद्धि और संक्लेश, विशुद्धि के माध्यम से हम अपने उस मन रूपी आंगन, आत्मा रूपी आंगन को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं, और संक्लेश के माध्यम से मलिन कर लेते हैं। बस वह संक्लेश नहीं करें, संक्षोभ वही चीज है, क्षोभ हमें उत्पन्न हो जाता है तुरंत तुरंत, वह क्षोभ उत्पन्न जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। और वो क्यों होता है? वो होता है मोह के वसात, जिससे मोह होगा ना। आप देखिए दुनिया संसारिक में भी आप देख लो कि एक आता है मकान जल रहा है और सेठ जी रो रहे हैं, मारो मकान जल रो है ना। अब इतना बड़ा मकान जलेगा तो रोएंगी, लेकिन बड़ा बेटा आके बोलता है पिताजी चिंता मत करो, ये तो कल ही हमने सौदा कर दिया, अब क्या हुआ बोलो क्या हुआ? वो हंसने लग गया, वाह सौदा हो गया बहुत बढ़िया, अब जलने दो, अभी मतलब जल रहा था तो रो रहा था, अब जलने दो। ये हालत है संसार की, क्योंकि किराए के मकान, किराए के भाड़ा के जो चीज़ें होती हैं ना उनका, तो ट्रेन के अंदर आदमी की दशा है, ट्रेन के अंदर बैठता है तो बेड सीट या नैपकिन से जूते भी पहुँच कर उतरता है, घर के अंदर तो नहीं करता वो, जूते पहुँचता है क्या बोलो? तो ये स्थिति होती है, तो वहाँ पर वो रो हंसने लगा, थोड़ी देर में छोटा बेटा आया, पिताजी क्या देख रहे हो भैया, क्या देख रहे हो आप? अरे भैया वो सौदा होता कुछ नहीं हुआ, वो तो मुकर गया, बोले मैंने कोई सौदा नहीं मेरा। फिर से वो सब तीनों के तीनों रोने लग गए। ये स्थिति इस संसार की है। आचार्य भगवंत ने भी यहाँ पर वही कहा कि सारे यानी सारे के सारे अतः मलिन मानस को दुलाओ, उस मलिन मानस यह मोह के, सम्मोह मान में मानस है विभाव, मोह के अंदर वह विभाव परिणति है। और हाइकू भी बहुत अच्छा गुरु जी का आज, कि प्रतिशोध में ज्ञानी भी अंधा होता, प्रतिशोध में
ज्ञानी भी अंधा होता शोध तो दूर। बात मैंने अनुसंधान और अतिसंधान की एक कहानी से शुरू की थी और अंत गुरु जी के इसी हाइकु के माध्यम से उसी बात को लेते हुए आपको बता रहे हैं कि जब प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला, प्रतिशोध की आग हमारे भीतर लग जाती है, वो सब कुछ आपने अजब नमकीन और एक गजब नमकीन, जयपुर में गजब नमकीन और अजब नमकीन दोनों भाई थे, ये मतलब जब हम पढ़ते थे तब की बात है, ये समझ में आ रहा है, उस समय की अखबारों में खूब फेमस, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, एक कांड हुआ था उस समय, अजब नमकीन जो थी वो बहुत चलती थी और गजब नमकीन उतनी नहीं चल पाई, और अजब नमकीन वाले ने अपने मतलब भाई ने भाई को मारने के लिए सुपारी दे दी और मरवा डाला उसको, मार दिया। हाँ, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो वह पकड़ा गया रंगे हाथों और फिर अजब नमकीन वाले थे उनको भी जेल हो गई, उसको भी जेल हो गई। अब आज क्या है वो तो मैं नहीं जानता, उस समय वो तो, अब दोनों के दोनों, एक तो चला गया और एक को मान लीजिए मृत्यु दंड या जो भी मिला होगा, तो दोनों ही परिवार प्रतिशोध में, ज्ञानी भी, कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं थी वो, बहुत बड़ी पार्टी, ज्ञानी भी अंधा होता शोध तो दूर, शोध तो दूर, वह सोच ही नहीं पाता है वहां पर हर व्यक्ति। बस यहां पर तो प्रतिशोध की आग में कभी भी हम सामने वाले को बदल भी नहीं पाएंगे और बदलना भी नहीं अपन को, लेकिन स्वयं को ही हमें इस प्रतिशोध में से प्रति हटा देना है और मात्र शोध रटना है, तभी प्रतिशोध यानी उल्टा हो गया उससे वैर विरोध। ये प्रतिशोध बहुत आगे की बात है, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत गहरा शब्द है और एक बार यदि यह आग लग जाती है तो बुझती नहीं, यह धधकती रहती है, धधकती रहती है। इस आग से हम सबको बचना है, प्रतिशोध की आग हमारे भीतर न हो और हम अपने उस पागल मन को, है ना, पागल ही मन है और क्या, जो भाग जाए इधर उधर, अविक्षिप्तम, उस विक्षिप्त मन को अविक्षिप्त बना पाए, इसी भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महा मुनिराज की। इसलिए मैं मंत्र दे रहा हूँ, एक स्वस्थिति और एक परिस्थिति, मैं परिस्थिति को समाप्त करना चाहता हूँ और जो स्वस्थिति है उसमें आपको लाना चाहता हूँ। इसलिए मैं मंत्र बता रहा हूँ कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हर कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर विद्यमान है, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। जब तक ये आप नहीं मानोगे, जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप कर भी नहीं पाओगे, आप बढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए मन की अंदर की ताकत आप अपने खुद के अंदर की चेतना से आप बढ़ा सकते। और चौथी है, पांचवां है, मैं सुखी हूं। अब बार बार इसको रिवाइज करो, ये माला बनाओ, ये जब बनाओ, ये तब बनाओ, आप बार बार सोचो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी। और हम लोग क्या होते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे इस प्रकार से हो रहा है। ये बार बार आप सोच कर अपने सुख के ऊपर और क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। तो आचार्य भगवान ने यही तो कहा, दुख शोक तापा कंदन वत्प देव नान्या प्रभु स्थाना ने सर्वेद्य। बार बार दुख करोगे, बार बार शोक करोगे तो क्या होगा, और दुख बढ़ना है नहीं। यहाँ जितनी आत्माएं बैठी है, संकल्प करें कि मैं सुखी आत्मा हूँ। आप स्थिति बनाओगे सुख की तो बन जाएगी। वो जो दुख आया है उसको भी सुख मानो, वो जो दुख आया है उसको भी सुख मानो। उस दिन मैंने कहा था ना कि एक एक अपने जीवन का सूत्र बना लो, बस बस को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उसको लक्ष्य बना लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, कभी कष्ट नहीं होगे। वो सुखी क्या इसमें भी कर, क्या सूत्र बना लो, इसमें भी कल्याण है। जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, पर स्थिति को अगर खराब नहीं करना चाहते हो तो क्या बना लो, इसमें भी कल्याण है। बस बस हमेशा ये सूत्र जपो तपो, बार बार बोलो, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। जहाँ आपके मन में ये वाला सूत्र आ गया इसमें भी कल्याण है, तो ये बाहरी परिस्थिति जितनी आएगी आपकी स्वस्थिति को खराब कर ही नहीं सकती।
ये मान के चलना। बहुत बड़ा सूत्र आपको दे रहा हूँ, हर बार हर समय एक ही चिंतन करना, इसमें भी कल्याण, इसमें भी कल्याण, इसमें भी कल्याण। तो निश्चित मान के चलना, आपकी स्वस्थिति खराब नहीं होगी, आपकी स्वस्थिति बिगड़ेगी नहीं। इसलिए संकल्प बार बार करो, मैं सुखी आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? कैसे बोलोगे? कभी नहीं बोलना मैं दुख में हूँ, कभी नहीं बोलना मैं कष्ट में हूँ, कभी नहीं बोलना मैं तकलीफ में हूँ, कभी नहीं बोलना मेरे अंदर बहुत पीड़ा है, कभी नहीं बोलना मैं बहुत आकुलित व्याकुलित हूँ, मैं कैसा हूँ? ऑल इज वेल बोलते हमारे प्रसाद सागर जी। हम प्रसाद सागर जी से जब पूछते हो ठीक ठीक तो क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल। तो मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं सुखी आत्मा हूँ। ये आपको बनाना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। ये जीवन का सूत्र बनाओगे तो आपका जीवन वास्तविकता में मंगलमय बन जाएगा। बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। क्यों ज्ञान स्वरूप है हमारे अंदर वो ज्ञान? आत्मा का स्वभाव ही जानना देखना है। वो ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, फिर हम स्वभाव से अधिक क्यों है? हम आपसे ये कहते हैं यहाँ वहाँ मत भट भट भट। आपको कुछ लगता है? आपको लगता है आप आंख बंद करो, आप अपने आत्मा में जाओ। आप अपने आत्मा में जाओगे तो अपने आप को उत्तर झलकेगा, वो उत्तर अपने आप अंदर से निकलेगा। ये मान के चलना। नंदुरबार वाले बैठे तीर्थंकर लेडी में, इन्होंने इनके साथ पूरा स्वाध्याय मंडल आता था, जैसे तत्वा सूत्र का अभी चल रहा है ऐसे स्वाध्याय चलता था। एक प्रश्न इन्होंने किया और उस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना था। तब जो जवाब था, हमने कहा कैसे ढूंढे? हमने ग्रंथ तो मंगा लिया, कर्मकांड, इतना मोटा कर्मकांड ग्रंथ, दीदी सुनना। अब उसका उत्तर कैसे ढूंढे? वो प्रश्न इस प्रकार से था कि उपशम श्रेणी, मतलब उपशम श्रेणी के चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति के भी होती है द्वितीय उपशम, मतलब द्वितीय उपशम क्या चतुर्थ गुण स्थान भी होता है? मुझे याद था कर्मकांड में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा कि नहीं चतुर्थ गुण स्थान को भी है प्रस्थापक निष्ठापक की अपेक्षा नहीं। हमें कहां से ढूंढूं इतना बड़ा कर्मकांड ग्रंथ? बस आंख बंद करी पहले और कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो अपनी आत्मा का 9, 27 बार ध्यान किया और सरस्वती माँ का स्मरण किया, देव शास्त्र गुरु शास्त्र माँ जनवाणी को नमन किया। और नमन करने के बाद हमने पुस्तक खोली, पुस्तक खोली वही पेज पे वही बोली। फिर हमने लोगों को बताया, मैंने कहा आपने प्रश्न तो रख दिया लेकिन हमने कहा कहाँ से ढूंढू और आप आने वाले हो 10 मिनट बाद 10 मिनट कैसे होगा? बिल्कुल, तो आप पूछो अपनी आत्मा से, आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ वहाँ मत भटको, भटकन में अटकन है, ये मान के चलना। आप अटक जाओगे लेकिन अगर आप अपने आप से बात करोगे तो निश्चित तौर से आपको उत्तर भी मिलेगा और सही उत्तर मिलेगा और सही रास्ता मिलेगा और सही दिशा में आप बढ़ते चले जाओगे। पर वो आपको अपने आप तक आना पड़ेगा, अपने अंदर उलझना पड़ेगा, तब आप सुलझ पाओगे। उलझना किससे है? अपनी आत्मा से उलझना है। वो उलझन आपको सुलझा देगी, वो उलझन आपको सुलझा देगी, लेकिन आप बाहर उलझ जाते हो तो वो उलझन आपको उलझा देगी। इसलिए अपनी आत्मा, आप ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। अपने आप को ये मत मानना मुझे कुछ नहीं आता। जो लोग बोलते हैं ना मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे याद नहीं होता, कहां संतुलन में बैठे संतुलन बार बार बोलते हैं मुझे आता, ये नहीं बोलो मुझे आता है, सब कुछ आता है। आप तो हमेशा अपने नीचे वाले से देखो ना, उसको तो और कुछ नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है मुझे। मैं ज्ञान स्वरूप ही आ गया, मेरे अंदर अनंत ज्ञान का भंडार है। और सातवां है क्या? आनंद स्वरूप। बार बार चिंतन करो मैं आनंद स्वरूप हूँ। अतीन्द्रिय आत्मा का वो आनंद है, वो आपके अंदर विद्यमान है, उसको विचार करो, चिंतन। और आनंद कब आएगा? आनंद आपको ये मत देखना टीवी देखने का वो आनंद नहीं है, आप मूवीज देख रहे हो वो आनंद नहीं है, आप कोई मैच खेल रहे हो वो आनंद नहीं है। आनंद की परिभाषा समझना, आनंद किसको बोलते हैं, आनंद होता क्या है, आनंद से क्या तात्पर्य है। अव्यापार सुख को आनंद की उपमा दी है हमने यहाँ। अव्यापार सुख का तात्पर्य क्या है? वो सुख, वो सुख कब आएगा? वो सुख आना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप ऊपर पांचनाथ भगवान के दर्शन मेहनत करके गए, ओ भगवान दिख गए और आपने नमन किया, वो आनंद, वो आनंद। आपसे उपास नहीं हुआ और आपने उपास कर लिया, वो आनंद। आप सामायिक करने बैठे बिना हिले डुले बैठ गए और फिर उसके बाद आनंद आता, वो आनंद। जैसे मैंने 2-3 दिन से रोज ध्यान करा रहा हूँ, मुद्रा आपको बताइए नहीं ऐसी, और बिना हिले डुले आप जब बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो लोग बैठे होंगे शायद उनको आनंद तो आया।
और अलग 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 की नहीं, पूरे 50 मिनट में बिल्कुल नहीं हिला, थोड़ा सा भी नहीं हिला, तो वो एक आनंद, उस आनंद की बात, वो आनंद लुप्त होगा, वो आपके अंदर है। जितना सदुपयोग और जितना सदुपयोग की ओर आप बढ़ते चले जाओगे और उससे जो प्राप्त होगा वो कहलाता है आनंद। वो आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, उसको आप प्राप्त करने का प्रयास करो, उसको छूने का प्रयास करो, उसमें उतरने का प्रयास करो, उसमें जितना घुसोगे उतना और आनंद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आनंद स्वरूप ही आत्मा, सातवां जो बिंदु है हमारा वो क्या है, मैं आनंद स्वरूप ही आत्मा। फिर आठवां बिंदु है, क्या है आठवां बिंदु, वो मैंने आपको दर्शन मोहिनी से जोड़ा है कि दर्शन मोहिनी जैसी समाप्त होगी क्या आ जाएगी, तो बोलते हैं वहां दर्शन मोहिनी समाप्त होती क्या आ जाता है, तो वहां पे छाएक दर्शन की प्राप्ति जाती है। मैंने निर्विकलता से उसको जोड़ा है, ये निर्विकलता क्यों, विकल्प है नहीं, सत्य कह रहे हैं विकल्प नहीं है, आप वास्तविकता में निर्विकल्प हो, द्वंद से रहित हो, आपने अपने आप को विकल्प में स्वयं ने डाला है, स्वयं के विचारों से आपने आपको विकल्प कर डाला है। आप क्यों विकल्प कर रहे हो, आप वास्तविकता में अगर मानोगे तो आप बार बार चिंतन करो, कोई संकल्प नहीं है मुझे, कोई आकुलता नहीं है मुझे, कोई व्याकुलता नहीं है मुझे, मैं तो निर्विकल्प, क्यों टेंशन लूं, क्यों बात बात पर उठूं, क्यों बात बात पर जरा जरा सी बात पर लेके अपने मन को लेकर बैठे रहूंगा, अपने दिमाग पर उसको लोड लेके बैठे रहूंगा, होगा तो कुछ है नहीं, कर मैं कुछ पाऊंगा नहीं, जब कुछ कर नहीं पाना है, जब कुछ होना नहीं है, तो मैं तो किसी आत्मा हूँ, निर्विकल्प आया और गया, निकालने वाली आत्मा, इधर से आया और उधर से निकालते चले जाऊंगे, तो मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं निर्विकल्प आत्मा हूँ। ये 10 सूत्र बहुत मार्मिक और बहुत बहुत अच्छा प्रवचन है, अगर आप वास्तविकता में इसको अपने जीवन में उतारोगे, ये 10 जो आप 8 जो आपको मैंने चिंतन के बिंदु दिए, इन 8 को आप विचार करना, 8ों के 8ों सूत्र हैं, महा मंत्र है ये, कि आपके जीवन में प्रसन्नता और खुशी और शांति सब कुछ दिला सकते हैं, बस वैसे आपको वो चिंतन करना पड़ेगा, वो माला, वो मंथन, वो जप करना पड़ेगा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शांत आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप ही आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सुख सुख को जीने वाली आत्मा, मैं तो ज्ञान के भागीदार स्वरूप ज्ञानी आत्मा, मैं तो आनंद के भागीदार स्वरूप आनंदमय आत्मा हूं, और आठवां रात्रि मैं निर्विकल्प। आठों सूत्रों को आपने जीवन में उतारना, बार बार इन पर चर्चन करना, बार बार मंथन करना, उसको सोचना, तो ये आठों चीज जब बार बार हम सोचेंगे तो निश्चित तौर से वो आठों चीज हमारे जीवन में आती चली जाएगी। तो जो आपकी स्वस्थिति और परिस्थिति से मैंने बात प्रारंभ करी थी, बात की जो शुरुआत करी थी वो स्वस्थिति और परिस्थिति से करी थी, आपकी स्वस्थिति बाहरी परिस्थितियों के कारण खराब हो जाती है, हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं, हम जब आठ में घुस जाएंगे तो बाहर की परिस्थितियों से हम अछूते रह जाएंगे और अपनी स्वस्थिति में हम आ जाएंगे। आप सब लोग स्वस्थिति में आ सकते हैं, ये मत मानना कि ये हमारा काम नहीं, नहीं, ये आपका क्रोध आता है पर बार बार उसे कहकर उसे मत कहो, उससे और छोटा हो जाएगा, जो क्रोध आ गया तो उसको बार बार कहो मत, बोलो मत, उसको बार बार याद मत करो, अब उसको बार बार आप याद करके और क्रोध को पक्का कर लेते, नहीं उसको करना ही नहीं है, ये आठों की आप संतान हो, आप ऐसा विचार करो, जब ये आठों के विषय में विचार, ये संतान हूँ मैं, यही मेरे अंदर आत्मसात है, तो निश्चित आप वैसे बन जाओगे, बनना आपके हाथ में, बनाना अपने आप को आपके हाथ में। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुनाकर अपनी बात को विराम विराम, क्योंकि उसके बिना तो बात अधूरी ही रहेगी। पूज्य आचार्य भगवान ऐसे हैं कि उनके लिए क्या कहना, वो हर स्थान पर अध्यात्म को बता लेते, हर हर परिस्थिति में अपने स्वयं की स्वस्थिति को स्वाध्याय में मोड़ लेते, हर 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 समय कुछ ना कुछ देखते नहीं है, उस देखने से भी इतना तत्व ग्रहण कर लेते हैं कि अपन जिस चीज को सोचते नहीं कि अच्छा इसने क्या सोचा और क्या निकाला, क्या बोल दिया, उससे किस प्रकार की रचना हम लोगों के बीच में रख दी। बिहार चल रहा था, बिहार में वहां बैठे थे तो बेल बंधे हुए थे, दो बेल बंधे हुए थे और दो बेल बंधे हुए थे, किसान आया और किसान ने क्या किया, घास का पूला लिया और दोनों बेलों को डाल दिया। आचार्य श्री जी बहुत शांत भाव से उसको निहार रहे थे और वो दोनों बेल भी बड़ी शांति के साथ खा रहे थे। जैसे ही हम लोग जाकर बैठे तो आचार्य श्री जी ने बोला, देखो कितना सुंदर दृश्य,
दोनों में किसी प्रकार का कोई नहीं, दोनों अपना अपना भोजन कर रहे हैं, ना कोई इधर इसको देख रहा है ना कोई उधर उसको देख रहा है। और देखो ये इंसान कैसा है, मिलता नहीं है उसको वो लड़ना झगड़ना चालू कर देता है, कुछ मिला नहीं वो टूट पड़ता है, लेकिन दोनों कितने शांति से कर कर ये अध्यात्म हटा दिया आचार्य श्री जी ने उन दोनों बेलों को देख कर। और फिर बोला पेंसिल लाना और कागज तुम्हारा रखा ही था और आचार्य कागज तो था पेंसिल लाए और आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उस पर दोहा लिख दिया, एक साथ दो बेल भी हिलमिल खाते घास, एक साथ दो बेल भी हिलमिल खाते घास, लोकतंत्र पा क्यों लड़े क्यों आपस में चांस। हम लोग कैसे लोकतंत्र कुछ पाया नहीं और पाया नहीं कि आपस में चांस करने लग जाए, कुछ कुर्सी मिली नहीं और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। देखो वो उनसे सीखो त्रियंचो से, लेकिन वो कैसे शांति से कैसे शांति से अपने जीवन को ऊंचा ऊंचा हमारे अंदर भी ऐसी शांति ऐसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी हमने राज की। यदि आप चाहते हैं कि सारे फैसले आपके पक्ष में हो तो विश्वास की तस्वीर आपको अपने मनस्थल पर लगानी ही होगी, हृदय स्थल पर लगानी ही होगी, तभी आप अपने पक्ष के सभी फैसले अपने पक्ष में ले पाएंगे। एक भाई था, वो अपने कार्य को करने के पश्चात नौकरी से घर की ओर आ रहा था, ड्राइवर ने छोड़ा, घर आया, घर आने के पश्चात दरवाज़ा खोला, अंदर आया, पत्नी बच्चे वगैरह नहीं थे, सब अपनी नानी के यहाँ गए थे, अकेला था। अंदर आते ही सिर बहुत दर्द करने लगा, इतना दर्द करने लगा कि असहनीय दर्द हो गया। उसने विचार किया क्या करूं, अब ड्राइवर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, पानी भी आ रहा है। उसने सोचा चलो पास में चलते हैं मेडिकल से कुछ ना कुछ दवाई ले आए, और बाहर निकला और पास में ही काम चल रहा था वहाँ पर एक ऑटो वाला था, उस ऑटो वाले को रोका और ऑटो के साथ वो आगे औषधि लेने के लिए पहुँचा। आगे जा रहा था, ऑटो वाले को देखा, वो बड़ा हैरान था, परेशान था, उसके चेहरे से ही समझ में आ रहा था कि ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट में है ये, क्योंकि जो लोग समझदार होते हैं ना वो दूसरों को देख कर समझ जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, कहीं ना कोई कष्ट है। उन्होंने पूछ ही लिया क्यों भाई क्या कुछ तकलीफ है, क्या कोई कष्ट है, तो बोले हाँ 2-3 दिन हो गए हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। बोले हाँ चलो हम तो चल ही रहे हैं आपके साथ गाड़ी में, चलते हैं। उन्होंने पैसे पूछे वहाँ तक जाना है, बोले 50 रुपये। ठीक, तो जब देखने के बाद लगा और वो खुद तो सिर दर्द था लेकिन उनके कष्ट को देख कर, उनकी पीड़ा को देख कर अपना दर्द जो है वो भूल सके। बहुत महान लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट को देखकर अपना कष्ट भूल जाते हैं। उतरे, सबसे पहले उतरते ही जो है मेडिकल पर चढ़े और उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली, वो ऐसे ऐसे हैं सज्जन उनके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, तो मेडिकल वाले ने कहा मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, लगभग मलेरिया से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा 3 दिन का कोर्स उनका बना देना। और फिर अपनी चीज़ बताई कि मुझे सिर दर्द होता, आप होते तो क्या बोलते, पहले मेरा सिर दर्द है पहले मेरे लिए गोली दो, फिर बाद में वो लेते कि नहीं लेते कोई भरोसा नहीं। और फिर उसको लगा कि अब घर पे कौन भोजन बनाएगा जाकर, उसने वहीं पास में रेस्टोरेंट था वहाँ पहुँचा और उससे बोला आ रहा हूँ 2 मिनट। वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद इतनी सारी लिस्ट थी लेकिन उसका मन हुआ मुझे छोले भटूरे चाहिए, उसने छोले भटूरे पैक कराए और अपने लिए और साथ में जो आए थे टैक्सी ड्राइवर उसके लिए पैक करा दिया। अब पैक कराने के बाद आने के बाद और उससे बातचीत हुई रास्ते में, और जब उतरने लगे तो 50 की जगह 100 रुपये दे दिए। बोले साहब मेरे तो सिर्फ 50 रुपये बनते। बोले नहीं रख लो 50 रुपये रख लो। फिर उसके बाद बोले ये औषधि है, ये 3 दिन की औषधि है, इससे आपका हाथ पैर का दर्द सब समाप्त हो जाएगा, और ये छोले भटूरे का पैकेट हैगा, पहले खाना फिर उसके बाद औषधि लेना, नहीं तो ये औषधि गर्म कर जाएगी ना, ये इस प्रकार से दिया। वो उसकी आंख से आंसू बहने लगे। बोले क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ कि बड़ा विश्वास था, बड़ी श्रद्धा थी, 3 दिन से परेशान था, एक तो कोई मिल नहीं रहा था और मैं भगवान से यही बार बार बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से औषधि आ जाए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवास